चलो, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम व्हाट क्या है ये? एक्यूट फीवर और चेंज इन मेंटल स्टेटस के लिए हुआ, क्यों करते हैं, क्यों होता है? ग्लाइपोसाइलिन ए या फिर मिथाइलिन इनसाइक्लो पायरेसिल एमसीपी जिसकी वजह से होता है। फिर सुनो, व्हाट क्या होता है इसमें? एक्यूट फीटर और चेंज इन मेंटल स्टेटस होता है, और ये होता क्यों है? होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि ये इसमें होता क्योंकि एमसीपीसी या फिर हाइपोग्लाइसिन ए की वजह से होता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसिन ए की वजह से, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट AECER क्या होता है? व्हाट क्या, सर्वे कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2005 इन ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट, व्हाई, क्यों करते हैं? रिलायबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रेन इनरोलमेंट एंड लर्निंग लेवल्स। फिर सुनो, होता क्या है, ये सर्वे कंडक्ट करता है हर साल 2005 के बाद, हर साल होता है कहाँ, हर रेलवे डिस्ट्रिक्ट में, रूरल डिस्ट्रिक्ट में। व्हाई, क्यों करते हैं? रिलायबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रेन इनरोलमेंट एंड बेसिक लर्निंग लेवल के लिए, ठीक है। अभी देखो, समझ में आ गया, रिलायबल एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेंस इनरोलमेंट एंड बेसिक लर्निंग लेवल के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, व्हाई, क्यों करते हैं? एज अप्रोप्रिएशन फंड और लिटरेसी और न्यूमेरेसी बाई 2025, एज अप्रोप्रिएशन फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी 2025 तक करने के लिए, ठीक है। 5334 डिजाइन, ये एंड नो टेम्पररी टीचर, याद रहे 5334 डिजाइनिंग है और कोई टेम्पररी टीचर का हम यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना थोड़ा टफ है इसलिए नोटेबिलिटी टीचर, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, जेंडर इशू, जेंडर इशू में क्या, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2001, अब व्हाट क्या है ये, इसमें इसके वजह से क्या होता है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं डीएम की वजह से, ठीक है। अप्लाई डीएम सर्टिफिकेट, अप्लाई डीएम फॉर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, क्रिटिसिज्म क्योंकि लेसर पनिशमेंट फॉर क्राइम अगेंस्ट ट्रांसजेंडर। फिर सुनो, ये क्यों होता है, क्योंकि आप पनिशमेंट कम करता है क्राइम अगेंस्ट उसके लिए, ठीक है। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 व्हाट क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सो CARA ग्रांटेड स्टेचुरी सर्विस। फिर सुनो, इसमें क्या था, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाते हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बनाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ऑल्सो इसमें सारा ग्रांटेड स्टेचुरी, और सारा को हम स्टेचुरी स्टेटस दे देते हैं, ठीक है। हाउ, कैसे करते हैं, डीएम इशू एडॉप्शन ऑर्डर एंड पेंडिंग मैटर से जोलिशन, ठीक है। डीएम जो है वो इशू करता है एडॉप्शन ऑर्डर और पेंडिंग मैटर से जोलिशन, ठीक है। अब सारा सारा क्या होता है, व्हाट, स्टेचुरी बॉडी अंडर MOWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। स्टडी बॉडी होता है, वाई, क्यों करते हैं, रेगुलेट करते हैं हर इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन अंडर है कौन, मतलब क्या है कि कंट्री के अंदर कंट्री के बाहर एक दूसरे कंट्री के बीच में एडॉप्शन को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, और ये अंडर हॉक कंडक्शन आता है ये चीज, ठीक है। डोंट डिटेन चाइल्ड, व्हाट, हियर क्या होता है, लॉकअप और जेल में नहीं रखो, लॉकअप जेल में नहीं रखो, बट अंडर अंडर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर। फिर सुनो, लॉकअप और जेल में नहीं रहना, बट अंडर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर के अंडर रखना, हाउ, कैसे, एक्ट 2015 में आया था, ठीक है, याद रहे, ठीक है। अब चाइल्ड विटनेस, चाइल्ड विटनेस व्हाट क्या है ये, चाइल्ड विटनेस क्या, चाइल्ड विटनेस मतलब क्या है कि टेक बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, हाउ, कैसे करता है, यूएन 1982, इंडियन एविडेंस। फिर सो यूएन का 1982 और इंडियन एक्ट, इंडियन एविडेंस 1872 वगैरह, ठीक है। पॉक्सो, पॉक्सो क्या होता है, तुमको ये समझ में आ गया, ये कैसे ट्रीट करते चाइल्ड को, समझ में आ गया, यूएन का 1992 का चार्टर है और इंडियन 1872, ठीक है। पॉक्सो एक्ट वाई, क्यों करते हैं, एड्रेस सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन, सेक्सुअल एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का रोकने के लिए, हाउ, रोल ऑफ पुलिस स्पेशल कोर्ट एंड मैंडेटरी रिपोर्टिंग, ठीक है, मतलब पुलिस को ध्यान देना, स्पेशल कोर्ट को ध्यान देना, और रिपोर्टिंग हमेशा मैंडेटरी करनी, याद रखना, ठीक है। अब ऑक्से व्हाट, स्पेशल यूनिट इन सीबीआई, सीबी के स्पेशल यूनिट उसको ऑस्का बोलते हैं, चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी क्यों, मालथुसियन थ्योरी, मालथुसियन थ्योरी का बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा, रिसोर्सेज कम होंगे, इसके लिए तो होगा, पॉपुलेशन विल आउटग्रोस रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। अभी देखो, वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट हु, कौन करता है, हु, यूनिसेफ एंड लैंसेट मेडिकल जर्नल इंडिया 72। फिर से सुनो, WHO, यूनिसेफ और लैंसेट मेडिकल जर्नल ने मिलकर किया और इंडिया कैन 70, ठीक है। फ्लोरिसिंग मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग को फ्लोरिसिंग बोलते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब एक्सेस कार्बन, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या है, एक्सेस कार्बन का कंडीशन देखते हैं, ठीक है, एक्सेस कार्बन उससे देखने के सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अब वेफी, वेफी क्या हु, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 35 बट कमीशन बाय इल्डन प्राइस फाउंडेशन, मतलब क्या है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वेफी रिपोर्ट को निकाला जिसमें इंडिया का रैंक 35 है, और इसको कमीशन कौन करता है, इडान प्राइस फाउंडेशन। हाउ, कैसे करते हैं, कंट्रीज इक्विप्ड बाय एबिलिटी टू इक्विप स्टूडेंट्स बाय स्किल बेस्ड प्रोग्राम, मतलब क्या है, कंट्री का औकात देखते हैं कि वो अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे पाता है कि, मतलब जो काम का एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे पाता है कि नहीं, ठीक, कंट्री का औकात उसमें चेक करते हैं, ठीक है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ व्हाट क्या करते हैं, कलेक्ट यूनिक डेटा 8 इंडिकेटर्स रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट वुमेन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या कि डेटा डेटा को 8 इंडिकेटर्स में डेटा कलेक्ट करता है, और क्या कलेक्ट करता है, किस रिगार्डिंग, कि लॉ रेगुलेशन कैसे हैं वुमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। फिर सुनो, 8 इंडिकेटर के बेसिस पे यूनिक डेटा को कलेक्ट करता है, और ये देखता है कि लॉ रेगुलेशन वुमेन के एंटरप्रेन्योर चीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करता है कि नहीं। हु, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक,
करता है इसमें इंडिया का 117, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और इंडिया का रैंक 117। जेंडर गैप इंडेक्स हु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली फ्रॉम 2012, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है हर साल 2002 के बाद से। व्हाई, क्यों करते हैं? रिलेटिव गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन और हेल्थ एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिटी, मतलब मर्द और औरत के बीच में क्या रिलेटिव गैप है कि नहीं है, किस बेसिस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पे, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हु वेल्थ हंगर लाइट एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड 100, मतलब क्या वेल्थ हंगर और कंसर्न वर्ल्ड लाइफ निकाल मिलकर बनाता है, और इसमें इंडिया करेंगे 102 है, ठीक है। अब व्हाट क्या करते हैं, 100 पॉइंट स्केल में 4 इंडिकेटर अंडर न्यूरिशमेंट चाइल्ड वेस्टिंग स्टंटिंग मोरलिटी, मतलब 100 पॉइंट स्केल होता है जिसमें 4 इंडिकेटर फोकस करते हैं, जो कौन कौन से न्यूरिशमेंट है, चाइल्ड वेस्टिंग स्टंटिंग मोरलिटी, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट हु कौन करता है, यूनिसेफ एंड रिकोगनाइज पोषण, फिर सुनो हु कौन सा था, यूनिसेफ एंड रिकोगनाइज पोषण एनीमिया मुक्त भारत एंड सिक्स एक्स, मतलब इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चाइल्ड रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा निकालता है, और इसमें इंडिया का पोषण एनीमिया मुक्त भारत और सिक्स एक्स सिक्स स्ट्रेटजी को इन्होंने अप्रिसिएट किया है, ठीक है। अब ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस स्टेप हु कौन करता है, WHO द्वारा निकाला गया, और इसमें SDG 3.3 को टारगेट किया 2030, मतलब 2030 तक SDG 3.3 को टारगेट किया बाई WHO, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट में यही होता है, ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये देखो व्हाट क्या है, लीडिंग कोर्स ऑफ डेथ एंड बाई बैकलेस माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब होता है क्या कि टीबी जो है वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होता है, और यह होता है किसके वजह से, बैकलेस माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हाउ कैसे हटाएंगे इसको, स्कीम क्या होता है, एलिमिनेट बाई 2030 बाई 3 पिलर्स ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। 3 पिलर होते कॉम्पेन का, उसके मदद से हम इसको 2030 तक खत्म करें, तो 3 पिलर होते इसके मदद से हमको 2030 तक खत्म करें, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट देखो हु कौन करता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा निकाला गया, इंडिया क्या करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69, फर्टिलिटी 2.3, फिर इंडिया का कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69, फर्टिलिटी 2.3, ठीक है। टाइम टू केयर, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल ऑन एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी की वजह से निकालता है, ठीक है। टाइम टू केयर कौन निकालता है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ऑन एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी, दिशा एक्ट कौन है, आंध्र प्रदेश में भी लिखा आया है, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस व्हाट क्या है, ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट टू इंटरनल कंप्लेन कमिटी एंड 550 ऑफ, मतलब क्या किया, हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी उसको पावर देता है सिविल कोड की तरह, और जिसके पास ये कमेटी नहीं है उसको 50,000 फाइन देता है, फिर समझ में आया, फिर से बोलो, इंटरनल कंप्लेन कमेटी को सिविल पावर के हिसाब से पावर देता है, और जिस जहाँ नहीं है उसको 50,000 फाइन उस पर ठोकता है, ठीक है। हाउ कैसे करता है, ICC इंटरनल एडिटेशन मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल कंप्लेन कमेटी इज डेली, फिर सुनो, इंटरनल कंप्लेन कमेटी इसमें इंटरनल एडिटेशन मैकेनिज्म है, और लोकल कंप्लेन कमेटी होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, इतना याद रखना है, ठीक है। लोकल कंप्लेन कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कौन क्या क्या चाहिए, ICC इंटरनल कंप्लेन कमेटी, इंटरनल रिड्रेसल मैकेनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, और लोकल कंप्लेन कमेटी है, ठीक है। पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये देखो ये क्या है, व्हाट ग्लोबल इरेडिकेशन बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ग्लोबल इरेडिकेशन के लिए कॉल किया है, हाउ कैसे करता है, फीकल ओरल रूट से, और सिम्टम क्या क्या है, फीवर, फैटिंग, हेड एक, वोमिटिंग, फिर ग्लोबल इरेडिकेशन बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसको लॉन्च किया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली नॉट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, और नेशनल वैसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने किया है, और इसमें होता है क्या, फेकल और ओरल रूट से ये फैलता है, फेकल मतलब टॉयलेट या फिर खाने की वजह से, और सिम्टम कौन सा, फीवर, फैटिंग, हेडेक और वोमिटिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब वैक्सीन डिराइव पोलियो ये क्या है, व्हाट स्ट्रेन ऑफ वीकेंड पोलियो वायरस इंक्लूड इन OPV डेट चेंज एंड बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या कि जैसे वैक्सीन में पतले वाले यूज होते हैं ना, पतले वाले वो यूज होते, तो ये क्या करता है, इसमें जाके स्ट्रॉन्ग बन जाता है और फिर वो फैलाना स्टार्ट करता है, ठीक है। जो कमजोर पोलियो वायरस वो स्ट्रॉन्ग होगी फिर फैलना, वाई क्यू करते हैं, वैक्सीनेटेड पर्सन गेट कंटेमिनेट, इससे कहता है कि वैक्सीनेटेड पर्सन बारे में कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, वैक्सीनेटेड पर्सन कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी को व्हाई इंश्योरेंस PF लाइफ कवर फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड लॉस कवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर मिलता है, हाउ कैसे करता है, सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएशन एंड टैप TSR की मदद से क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी फंड का क्रिएट करो, ठीक है। कन्याश्री स्कीम क्या, व्हाट कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम, हु कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम मिलता है, किसको मिलता है, फैमिलीज विद इनकम लेस देन 1.2 लाख, और व्हाई क्यों करते हैं, इंसेंटिवाइजिंग स्कूल एंड डिलेइंग मैरिज टू ऑफ टीनेजर, मतलब स्कूलिंग को इंसेंटिवाइज करो और मैरिज को डिले करो, ठीक है। NHSR से थी व्हाट ये क्या, WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब WHO कोलैबोरेट करता है सेंटर के साथ ताकि प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइस और हेल्थ टेक्नोलॉजी पॉलिसी बन सके, ठीक है, मेडिकल डिवाइस मिले और टेक्नोलॉजी पॉलिसी। व्हाई क्यों करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इन एडवांसमेंट के लिए, NHRM एपेक्स बॉडी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, NHRM के एपेक्स बॉडी टेक्निकल बॉडी के लिए, और ये करते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट एडवांसमेंट। नेशनल मेडिकल कमेटी व्हाट ये क्या, 33 मेंबर का कमेटी होता है, हु रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन MCI, ठीक है, हु कौन होता है, चेयरमैन प्लस 10 ऑक्स ऑफिसियो प्लस 22 पार्ट में, फिर चेयरमैन है 10 ऑक्स ऑफिसियो मेंबर और 32 पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। पार्ट टाइम मतलब क्या, लॉ
मैनेजमेंट से आएंगे, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया व्हाट, ये क्या सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म डेट कलेक्ट एंड कलेक्ट मेटा डेटा फ्रॉम प्रीनियर लर्नर, मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से क्या करता है डेटा को कलेक्ट और कलेक्ट करता है, ठीक है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जहाँ से कलेक्ट और कलेक्ट करता है। हाउ, कैसे करता है, MHRD और NMEICT से, MHRD और NMEICT से, ठीक है। निर्भया फंड क्या है, 1000 करोड़ फंड है फॉर अपलिफ्टिंग सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, औरतों की सेफ्टी डिग्निटी के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड है। इंपावर्ड हु, कौन करता है, इंपावर्ड कमिटी बाई DE एंड MOF, इंपावर्ड कमेटी बनाई जाए जो DE के द्वारा और MOF उसको रिवर्ट करता है, ठीक है। अब MCBP ये क्या है, व्हाट वाई क्यों करते हैं, हेल्थ प्रमोशन एयरली डायग्नोसिस के लिए करते हैं, हेल्थ प्रमोशन एयरली डायग्नोसिस मैनेजमेंट के लिए करते हैं। फंडिंग कैसे होता है, अंडर MCD फ्लेक्सी पुल थ्रू स्टेट PIP, ठीक है, सुनो, करते क्यों है, हेल्थ प्रमोशन एयरली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए करते हैं, और इसमें फंडिंग कौन करता है, NCD करता है, फ्लेक्सी पुल के थ्रू स्टेट PIP का यूज करता है, ठीक है, समझ में, स्टेट PIP का यूज करता है, ठीक है। अभी देखो PTBG व्हाट, ये क्या स्पेशल कैटेगरी फॉर ट्राइब ढाबों पर, मतलब धेवर कमीशन है, ट्राइब का एक स्पेशल कैटेगरी होता है उसको PTBD बोलते हैं। हु, कौन करता है, प्रो एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैग्नेट पॉपुलेशन लो लिटरेसी, सब मतलब कौन से ट्राइब आते हैं इसमें से, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैग्नेट पॉपुलेशन है, लो लिटरेसी और सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, उनके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हुए, कब करता है, 3 दिसंबर को, टू प्रमोट राइट एंड वेल बींग्स ऑफ डिसेबल्स। हाउ, कैसे करते हैं, UNGA 1982, ठीक है, 3 दिसंबर को डिसेबिलिटी डे मनाते हैं और UNGA 1982 होता है, ठीक है। अब ये देखो समझ में आ गया ये सब चीजें। अब अगला देखो, अगला क्या है, स्टडी मूड व्हाट क्या है, डिक्रीज एज ऑफ कंसेंट देन एज ऑफ मैरिज, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट को कम करो और एज ऑफ मैरिज को जस्ट का तस रहने दो, ठीक है, एज ऑफ मैरिज एज ऑफ कंसेंट होगा। करंटली क्या है, इस्लाम में एज ऑफ प्रोबेबिलिटी मानते हैं, हिंदू में 21 ईयर्स और 18 साल माना जाता है, ठीक है। नंबर कंट्रोल ट्रायल व्हाट, ये क्या एक्सपेरिमेंट यूज बाई इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंटिस्ट, ये होता क्या है, एक्सपेरिमेंट होता जिसको इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंटिस्ट होता है, व्हाई, टू आइसोलेट इन्फ्लुएंस दैट अ सर्टेन इंटरवेंशन और वेरिएबल हैज ऑन एन आउटकम ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। इसका यूज क्या होता है कि इन्फ्लुएंस को आइसोलेट करता है ताकि कुछ सर्टेन इंटरवेंशन या वेरिएबल का ओवरऑल आउटकम हम स्टडी कर सकें, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हुए, कब करते हैं, 1 अक्टूबर को यूज करते हैं, अदर इनिशिएटिव का वीना प्लान, मेड इंटरनेशनल प्लान, फिर सुनो, 1 अक्टूबर को ओल्डर डे का मनाते हैं, इनिशिएटिव क्या है, वीना प्लान है, मेड इंटरनेशनल प्लान है, ठीक है। और फ्लाई एयर फॉर्म हुए, कहाँ करते हैं, नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका, वाई, पॉलीफेपस एंड फीडन मल्टीपल, ये क्या होता है, कीड़ा होता है जो कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका में पाया जाता है, और ये करता है पॉलीफेपस, मतलब बहुत सारे मल्टीपल क्रॉप्स खा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीफेपस, ठीक है, समझ में आया, खत्म, इतना ही।